2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर एक आंतरिक सर्वे में करीब 150 बीजेपी सांसदों के काम से आलाकमान खुश नहीं है। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने कई सांसदों के टिकट काट सकती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोनी संवाददाता रमन मंगईन। जैसे जैसे 2019 नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की दिल की धड़कन भी बढ़ती चली जा रही है। दरअसल एक आंतरिक सर्वे हुआ है और अगर सूत्रों की माने तो लगभग 150 सांसद ऐसे हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड आलाकमान ने सही नहीं पाया है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं वो लगातार कहते रहे कि आप जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएं, अपने काम के बारे में जनता तक पहुंचाएं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जिन पर अगली बार हो सकता है जो आलाकमान है वो भरोसा न जताए और लगभग 150 के करीब ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट काटा जा सकता है। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ सबसे बड़ी संख्या है, यानी लगभग 48 के करीब सांसद हैं जो चेहरे हैं जो बदले जा सकते हैं, किसी और को मौका दिया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी साथ ही साथ ये रणनीति भी अपना रही है कि जिन राज्यों में उन्हें पिछली बार बहुत कम फायदा हुआ था, बहुत कम सीट मिली थी, उसमें वो इस बार बढ़त बनाएं, जैसे कि उड़ीसा हो गया या फिर तेलंगाना हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, जहां भारतीय जनता पार्टी को लगभग 105 में से 6 या 7 सीटें ही मिली थी। तो इस बार उनकी कोशिश होगी कि वहां वो अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी सीटें गेन करें। तो यानी अब भी एक साल बचा है, तो कोशिश हो सकती है सांसदों की तरफ से कि वो आलाकमान की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करें, वरना कई सांसदों का इस बार टिकट कटना तय है। रफीक के साथ रमन अमगाई, गो न्यूज़ दिल्ली।